जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक JEE PYQ सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन 2020 में आया था। द क्वेश्चन इज ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E=E₀ (1 - a) x²। इन द एक्स डिरेक्शन वेयर ए एंड ई नॉट आर कॉन्स्टेंट्स, इनिशियली द पार्टिकल वॉज एट रेस्ट एट x=0। अदर दैन द इनिशियल पोजिशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज। ऑप्शन आर गिवेन हियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है क्यू एंड मास है एम। उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 एट x=0। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो पोजीशन क्या होगा? 0 होगा। फिर क्या बोला? अदर दैन इनिशियल पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0। तो इनिशियल पोजीशन को छोड़ने के बाद और बाकी सब पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 0 होता है। तभी हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले क्या डाटा दिया गया है लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E₀ (1 - a)²। तो आपको पता होना चाहिए F=ma। A कितना हो जाएगा? F/m। जब भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तभी इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E=F/q। तो F कितना हो जाएगा? Q(E)। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? Q(E)/m। तो F के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट किए? Q(E)। एंड क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा है, तो हमको क्या निकालना है? तो एक्सीलरेशन का रिलेशन विथ डिस्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है? A=dv/dt। तो हम क्या करेंगे? डीवी को एक डीएक्स में डिवाइड करेंगे एंड डीवी को एक डीएक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया? dv/dx (dx/dt) ये क्या हो जाएगा? v(dv/dx) क्योंकि dx/dt कितना होता है? वेलोसिटी बी। तो अभी हम एक्सीलरेशन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? v(dv/dx)(qe/m). तो v(dv/dx)(q/m). तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? E=E₀ (1 - a)²। तो E₀ (1 - a)²। तो v(dv) कितना हो जाएगा? q(E₀)/m(1 - a)²(dx), क्योंकि ये dx इस तरह करके मल्टीप्लाई हो गया। तो v(dv) से हम v कैसे निकालेंगे? तो बोथ साइड को हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ v(dv) = q(E₀)/m(1 - a)²(dx). इंटीग्रेशन ऑफ v(dv) = q(E₀)/m कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले आएंगे। q(E₀)/m इंटीग्रेशन ऑफ 1 - a)²(dx). तो v(dv) का इंटीग्रेशन = q(E₀)/m। तो dx को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया, a)²(dx) हो गया। तो v(dv) का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v²/2। कौन सा फॉर्मूला में यूज किया? x^(n)dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x^(n+1)/n+1।
यहाँ v का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो n का जगह 1 डाल देंगे, तो यहाँ x है तो ऐसे ही यहाँ v है, तो v टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो n के जगह 1 डाल देंगे तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम dx का इंटीग्रेशन कितना है x माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो बी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई एम होल इन टू एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यही फार्मूला में डाल देंगे, n के जगह 2 है तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। तो ये जो m है इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई नॉट होल इन टू एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3। तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, इसका मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू ई नॉट होल इन टू एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3। पर क्वेश्चन में दिया है अदर दैन द इनिशियल पोजिशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स जीरो, तो इनिशियल पोजिशन को छोड़ने के बाद काइनेटिक एनर्जी अदर पोजिशन में जीरो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जीरो इक्वल टू क्यू ई नॉट होल इन टू एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3, दैट मीन्स ये जो एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब बाई 3, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसल हो गया, तो कितना हो गया 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 3, तो 3 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3 बाई ए, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 3 बाई ए, दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ, थैंक यू, जय जगन्नाथ।